इसके बाद ये बारिश नहीं होने वाली है। एंजॉय भी कर रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं, कर रहे हैं तो सामने की निकल आएंगे। सब्जी वाले फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और अब हो चुकी है मॉर्निंग, सो आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। और आज हम क्या करेंगे, जो भी करेंगे। सो आज हमने प्लान बताएंगे। सो बहुत ही यहाँ पे 2 या 3 दिन का फेस्टिवल चल रहा है जिसे कहते हैं तानाबाता, जो जापान का बहुत ही ज्यादा फेमस फेस्टिवल है। और वो जो है वो होता है जुलाई में। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम दोबारा आ चुके हैं हमेशा की तरह, सॉरी रोज की तरह। और आज भी मौसम बहुत अच्छा है, थोड़ी गर्मी हो चुकी है। अब मुझे कभी कभी ऐसा लगता है मैं एक न्यूज रिपोर्टर हूँ, हमेशा पहले मौसम के बारे में बताता हूँ। ओ, बारिश आ रही है, बूंद गिरी नहीं, मतलब अभी मैंने वेदर चेक किया था तो 50% चांसेस बता रखे थे, बट मुझे नहीं लगता कि जिस मौसम को देख के थोड़ी सी हाँ गर्माहट है मौसम में, पर इतना नहीं होगा आई थिंक। और हम आज आ रहे हैं एक बहुत ही सुंदर वाली जगह है और आपको दिखाएंगे और उसके बारे में भी आपको बताएंगे। हाँ। वो बहुत अच्छी जगह है। और यस, चलते हैं। जापान का कल्चर है ना, जापान की कल्चर और जापान का फेस्टिवल है जो कि 7 जुलाई को मनाया जाता है, और उसके बारे में सब कुछ आपको बताएंगे। तो उसके लिए आप एंड तक ब्लॉग देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे ब्लॉग में। और लाइक करिए, अभी लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं करा स्टार्टिंग में कर दीजिए। ओके, फिर चलते हैं। अगर बारिश आई, छाता लेकर आ रखे हो आप? नहीं। तो फिर क्या करेंगे? मेरे को नहीं चाहिए बाबू छाता। अरे तुम्हें नहीं, मतलब मुझे भी तो चाहिए ना छाता। मतलब तुम अपने बारे में सोच रहे हो, मेरे बारे में कौन सोचेगा भाई। अरे नहीं नहीं, इन द सेंस वो वाला मतलब नहीं था, मतलब मैं अपने बारे में ही बोल रहा हूँ, हमारे बारे में बोल रहा हूँ कि ये जो बारिश है ना, ये 1-2 मिनट की बारिश दिखा रहा है, इसके बाद ये बारिश नहीं होने वाली, फिर छाता का कोई यूज नहीं होगा ना। ठीक है ठीक है, ओके चलो। और हम पहुंच चुके हैं फाइनली। बोलो कुछ, बोलो 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 बोलो। जैसे मेरा कहना था कि मैंने चेक करा था कि बारिश के मौसम इतने नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली रास्ते में इतनी तेज बारिश हो चुकी है, तेज तो नहीं मतलब काफी बारिश हो चुकी है, पर हम थोड़े थोड़े भीग गए, थोड़े थोड़े पूरे देखो भीग चुके हैं। और जो जहाँ हम देखने आए थे, जो फेस्टिवल हम देखने आए थे, वो ये है पीछे, और ये है वो स्ट्रीट जो बिल्कुल सीधा जाके अंदर होता है। और शायद बारिश के चक्कर में यहाँ पे इतने लोग नहीं है जितने होने चाहिए थे, बिकॉज ये तो पूरा भरा रहता है। सो जितने लोग होने चाहिए थे पूरा भरा रहता है, बिकॉज बारिश हो रही है तो लोग बहुत कम है। और कैसे घूमेंगे जब बारिश हो रही है? तो कल दोबारा आना चाहिए। हम कल दोबारा आएंगे, कल बारिश चली है ना। तुमने तो इन्होंने बोला था कि बारिश कुछ नहीं होगा, बारिश बारिश, मैं बोल रही थी फोन में बारिश हो कर रहा है, छाता लेकर चलते हैं। अच्छा, छाता लेने के बाद भी क्या तुम अपना एंजॉय कर पाती फेस्टिवल? नहीं कर पाती, बहुत सारी है, बहुत तेज बादल गरज रहे हैं, कड़क रहे हैं, बरसने को तैयार हो चुके हैं। हम उधर चल सकते हैं उसकी सजी के लिए। हम इस जो गली है, इस स्ट्रीट में पहुंच चुके हैं, और इस स्ट्रीट का नाम है शितामाची स्ट्रीट, जहां पे तानाबाता फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। सीरियसली बहुत तेज बारिश, ये क्या है? और देखो हाँ, बिजली में गैप है तो बारिश। ओह या बारिश, पर ये देखो ये ऐसे लगता है खाने पीने के स्टॉल्स लग रखे हैं प्रॉपर, और बारिश की वजह से दिक्कत हो रही है। देखो कितने अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं लोग। यार बारिश क्यों हुई आज? अब बाहर। और ये देखो ये जो मेन था वो ऐसे पेड़ लगे रहते हैं जहाँ पे आप अपनी विश लिखते हैं, मैं करते हैं कि वो विश पूरी हो जाए, तो वो ऐसे पेड़ होते हैं शायद। ये बैम्बू ट्री होते हैं क्या? बैम्बू का होता है। पर यहाँ पे लोग अपनी पार्टी कर रहे हैं, सब अपना सामान बेच रहे हैं, तो इस इनको देखो कैसे साइड में खड़े हुए हैं, हमारी तरह हमारी साइड में ना ऐसे खड़े हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं। तो फिर इतनी बारिश में तो हम तो घूम सकते नहीं हैं, क्योंकि इतनी बारिश में लोग अम्ब्रेला लेके और ऑलमोस्ट शॉप जो हैं वो अंदर अंदर जा चुकी हैं। तो क्या करना चाहिए, चलें? एक्चुअली थोड़ा मज़ा ख़राब कर दिया वैसे,
पर कोई नहीं, हम यहाँ पे दोबारा कल आ सकते हैं क्योंकि कल भी संडे है और कल भी हमारी छुट्टी है, तो हम एक और चांस ले सकते हैं कल आके आराम से अच्छे से प्यार। प्रॉमिस कर रहे हो हम सामने की निकल आएंगे? ओके, कल आना होगा ना, घर से मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, तो फिर कल आएंगे। और तो ये मेरे पीछे एक थाना माता का पेड़ है जिसपे लोग अपनी विश लिख के और इसको प्रे करते हैं कि ये पूरी हो जाए, तो यही ताना बाता फेस्टिवल का एक मीनिंग है जो कि लोग करते हैं, पूरे जापान के अंदर सेलिब्रेट होता है। तो कैमरामैन मकसूद के साथ आपका स्वागत है, कश्मीर की घाटियों से हम पूरा ये शूट कर रहे हैं और पीछे आप देख सकते हैं हमारे पीछे कितनी धुआंधार बारिश हो रही है रोडों पे और हम फंस चुके हैं इस दुनिया में। हम सोचे थे कि बारिश नहीं होगी, हम फंस चुके हैं इस बारिश में क्योंकि हम आए हैं अपनी बाइक से। और हम मैं जब घर से निकला था तो मैंने पूरे वेदर एप्लीकेशन का पूरा चेक किया था, बट उसमें लिखा था 50% चांसेस है, बट नॉट दैट मच, इतने तो नहीं लग रहे थे कि जो इतनी धुआंधार बारिश हो रही है। और ऐसे ही जापान में बारिश आती है तो इतनी तेज आती है, तेज बादल की गड़गड़ाहट हो रही है, बिजली कड़क रही है यार, बिजली। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने यहाँ पे फोटोज भी क्लिक कराई, देखो कितना सुंदर है, जिस लोकेशन में हम आए हैं ना, ये है आसाकुसा, आसाकुसा और जापान का सारा ट्रेडिशनल पार्ट जो है ना, टोक्यो का मेन टोक्यो का सारा ट्रेडिशनल जितना भी जापान की संस्कृति बसी हुई इसी जगह पे बसी हुई है। खड़ा आसाकुसा का मंदिर भी है जो हमको, हम आपको किसी नई वीडियो में दिखाएंगे। ऐसे ही मजा आ रहा है हमें तो, बारिश के मजे लेते लेते कॉफ़ी पी रहे हैं, हमने एक कॉफ़ी शॉप पकड़ी, ये हमें तो कंपाई, कंपाई इज लाइक चीयर्स, जापानीज में बोलते हैं चीयर्स। यहाँ पे जो है मतलब जापान के जो पुराने बर्तन होते हैं उसकी इतनी सारी शॉप्स है, इतनी आपको मतलब यहाँ पे नाइफ, और अगर आपको शॉपिंग करनी है ना जो जापानी चीज़ों की, प्रॉपर बर्तनों की या नाइफ की या कोई भी जापानी सामान लेना हो जो कि प्रॉपर ट्रेडिशनल, तो वो यहाँ मिलता है इस वाली रोड पे। मैं गुस्सा एक बार कन्फ्यूज होती हूँ, ऐसा गुस्सा कप्पाबाशी। अब तो मैं रिपोर्टर वाला फील चाहिए था ना, ये लो रिपोर्टर वाला फील। हाँ तो आप बताइए, ये इस गली या इस स्ट्रीट को क्या बोलते हैं, क्या नाम है स्ट्रीट का? इसको बोलते हैं कप्पाबाशी दोरी, और ये कप्पाबाशी दोरी जो है जापान में यहाँ पे बोले तो बर्तन यूटेंसिल्स के लिए बहुत फेमस है। तो ये लोग वीडियो देख रहे हैं और उनको पता है कि इंडिया में या फिर दिल्ली के आसपास जो भी बर्तन के लिए जो कौन सी फेमस मार्केट है वो आप इसमें कमेंट में बताइएगा, हमें भी नॉलेज मिलेगी। आवाज तो पहुंचेगी पहुंचेगी, जो मुझे बोलना है क्योंकि तो जब तुम अपने पास पकड़ते हो तो मेरी आवाज़ आती नहीं है ना, इसलिए मैंने ऐसे कर लिया। और हमने ना जहाँ से कॉफ़ी ली थी और हमारे कॉफ़ी खत्म हो चुका था इनका, तो ये बैग में रख रहे थे, तो मैंने बोला बैग में क्यों रखना है यार, वहाँ फेंको ना जहाँ से कॉफ़ी ली है, डस्टबिन क्यों ऐसे वो करना है। कॉफ़ी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, मतलब 150 की मिलती है, बट यहाँ पे 100 yen की कॉफ़ी मिल रही थी नेस कैफे की। डॉली की टपरी, गाइस आपको पता है कितना फेमस हो गया ना, डॉली की टपरी यार, डॉली जो है, जो डॉली टपरी, उसको एक बार जापान बुलाना चाहिए, डॉली को। हाँ, इन जापानी को चाय बड़ा पसंद है ना, अब तो सबको ही होगी जब से बिल गेट ने उनके साथ पी है, जब से बिल गेट ने उनके साथ कॉफी पी है तब से तो भैया डॉली भाई नहीं डॉली भैया बन चुके हैं। बारिश में भीग ही लेते हैं। बाइक का क्या हाल है? बाइक तो हमने देखी नहीं है। ये जो ये स्ट्रीट है ना बहुत बहुत ज्यादा भरी रहती है, पर आज ये आपको देखो हम खाली दिखाना है, आज स्ट्रीट में कोई लोग ही नहीं है हमारे अलावा, देखो बहुत कम है ही नहीं ना, सच में हम तो ना घर के रहे ना मार्केट के रहे, बीच में फंस चुके हैं, क्या करें अब, लग रहा है कि ना गाड़ी होनी चाहिए, ले लेते गाड़ी होनी चाहिए। बाहर निकलते हैं, बाहर निकले तो इतनी बारिश होगी हम फंस गए, और आज मेरी थोड़ी एक्स्ट्रा चेकिंग की वजह से हम खाता भी नहीं लेके आए, कुछ ज्यादा ही बोल रहे थे, मैंने पूछा, मैंने बोला था बारिश में छाता लेकर चलते, नहीं 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 कि ये जो बारिश है ना ये एक दो मिनट की बारिश दिखा रहा है, इसके बाद ये बारिश नहीं होने वाली, 50% है, नहीं होगी, थोड़ी सी है, खत्म हो जाएगी, देखो देखो अब सीख लिया, अगर बारिश 10% भी है ना तो छाता लेके चलो, कितना क्यूट सा बच्चा है, देखो कितना क्यूट, मुझे भी चाहिए यार, वो कितना क्यूट लग रहा है, चलो बारिश कम होगी जल्दी जल्दी, बारिश तो बहुत कम होगी गाइस, ओए बारिश हाँ थोड़ी तो है, क्या करें हम, चलो 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 चलो, अरे फिर थोड़ी कम हो गई बारिश है ना, बारिश कम हो गई, 6 बजे के बाद तो बिल्कुल ही जीरो है,
तो फिर कम परसेंटेज है, ओहो मैं आज तो ना पर ठीक हुआ यार, इसी बहाने हमने कॉफ़ी करी, हमने अपना मी टाइम थोड़ा स्पेंड करा और ठीक है जो होता है अच्छे के लिए होता है, है ना। इसके बाद का प्लान हमें खुद नहीं पता रहता, बट आप देखते रहिए एंड तक क्या होने वाला है, बिकॉज हमेशा ना हमें एकदम से प्लान बन जाता है, वो सबसे अच्छी चीज़ है। तो जब 4 बज रहे थे और अभी ना देखो फिर उजाला हो गया, 6 बज रहे हैं और फिर उजाला हो गया, है ना, शायद तब बादल थे ना इस वजह से। तो फिर आज कुछ नया क्या होने वाला है, वैसे तो नया हो चुका है, बारिश हो गई पर कल हम पक्का आएंगे और कल तो मुझे सच में यहाँ पे टेस्ट भी करना है यहाँ का खाना कि कैसा है, एक तो टेस्ट करके ही जाऊँगी पक्का। पर आज देखो बोला था ना मैंने कुछ टेस्ट करूँगी, कुछ ना कुछ नहीं सही तो कॉफ़ी ही टेस्ट कर ली, जो कि इतनी सस्ती मिल गई हमें, पता नहीं कैसे 100 येन में 100 येन इंडिया के 50-60 रुपये। नहीं इंडिया में खत्म हो चुका है सावन, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। अच्छा, इंडिया में अभी गर्मी की छुट्टी खत्म हुई है क्योंकि जून मई जून की छुट्टी पड़ती है ना। ओ यहाँ तो मेरे ख्याल से आज के लिए हम काफी घूम चुके हैं और ओ यार सॉरी ये देखिए क्या है, ये शायद पीछे सामान रखने की है। हाँ ये मतलब यहाँ पे ना 3 टायर वाली छोटी साइकिल होती है यहाँ पे कौन यूज करता है ये पता है? कौन बताओ आप बताओ, देख करो सब्जी वाले नहीं तो यहाँ पे जापानी दादियाँ पीछे सब्जी ले जाती है, मतलब सामान रखने के लिए ना, क्योंकि दादी भारी सामान नहीं पकड़ पाएगी ना। ओ उसके लिए कोई है ही नहीं टूरिस्ट प्लेस, और फिर भी आज और ऑफकोर्स बारिश में कौन आना चाहेगा यार। और यार यहाँ पे इतनी सही गाड़ी है ना, इतनी मतलब कूल, कितनी कूल गाड़ी है यार सच्ची, है ना कितनी कूल गाड़ी है, वाओ कितनी क्यूट क्यूट इसमें डॉल्स बन रखी है। और यहाँ के शॉप्स भी देखो ये ना पुराने जमाने की टाइप से ना, पुरानी पुरानी चीज़ें और पुराने तरीके से लिख रखा है, और शायद यहाँ का इनका कल्चर दिखा रखा है, ये तो मुझे चाइनीज कल्चर से भी वो लग रही है, है ना। थैंक्स बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब ये जैसे हमने पहले भी बताया था ये जो ये वाली स्ट्रीट है या आसाकुसा जो ये प्लेस है वो जो है फेमस है जापान के कल्चर से ये जो फेमस है जापान के कल्चर जो है, अगर आपको देखना है तो आपको आसाकुसा आना चाहिए। और यहाँ पे एक बहुत फेमस टेंपल है जो है आसाकुसा टेंपल, और वो भी हम एक दिन जाएंगे, हम ऑलरेडी जा रखे हैं ना वहाँ पे 2 बार, हम वहाँ पे भी जाएंगे जब और बारिश बहुत बंद हो चुकी है और अभी हम जा रहे हैं। ओ बिल्कुल बंद नहीं, थोड़ी सी है, ये कुछ लिखा है ना, ये मशीन लगी रहती है। हाँ तो इसका मतलब कि अभी तक इन्होंने पैसे पे नहीं करे, क्या होता है इसमें ये मशीन्स जो लगे रोड पे, मशीन होती है जैसे अगर आप रोड पे पार्किंग कर रहे हो तो यहाँ पे 2 टाइप की पार्किंग है, रोड पे भी होती है और एक अलग से प्रॉपर पार्किंग भी बनी होती है। रोड पे इजी ये रहता है कि आप थोड़ा वक्त खड़ी करिए, कहीं भी जल्दी गए अंदर शॉप के अंदर और उनमें भी सामान शॉपिंग वॉपिंग करके आके अपना फटाफट निकल सकते हो, पार्किंग में जाओगे अंदर लगाओगे और उसके बाद फिर आप पे करोगे तो आपका थोड़ा टाइम वेस्ट होगा। इसलिए कीड़ा कीड़ा नहीं, ये जापानीज में बोलते हैं इसको काबुतोमुशी, काबुतोमुशी जापान में बड़ा फेमस है पता नहीं क्यों, क्यों क्या बोलते हैं इसको, जब बच्चे छोटे होते हैं ना पार्क वार्क में जाते हैं तो वहाँ पे इसको पकड़ते हैं नेट से ना। ओ बाइक, और हमारी बाइक आ गई है, धुल चुकी है, धुल धुल चुकी है वापस कवर, और पर अभी भी वो सामान वो सेट पूरी बारिश पूरी धुल चुकी है अंदर से बाहर, अच्छा है ना धोने की जरूरत नहीं पड़ी। चलते हैं हम अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे बारिश, बिकॉज कोई फ़ायदा नहीं है ना अंदर जाने का, क्योंकि अभी उन्होंने जो सामान इतना सेटअप वेटअप करेंगे पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे और बहुत जल्दी बंद हो जाएगा, तो बेटर ये है कि हम कल आके देख लेंगे, उसमें कुछ मुझे नहीं लगता कि वो सही डिसीज़न होगा हमारा कि हम कल आके प्रॉपर अच्छे से उसको इन्जॉय करें, क्योंकि ना मुझे ये देखना था कि कैसा कल्चर होता है और क्या क्या होता है। तो अभी तो हमें फ़िलहाल थोड़ा सा आइडिया मिल चुका है कि वहाँ पर खाने पीने का होगा और ऐसे बैम्बूज लगे होंगे जिसमें अपनी विशेज लिखते होंगे, पर हमारा बारिश में वेट करना बहुत सफल रहा क्योंकि अब हम निकल रहे हैं बारिश बंद होने के बाद प्रॉपर, बिल्कुल बंद हो चुकी है, बिल्कुल बंद हो चुकी है, अगर हम भीगते भीगते जाते तो हम काफी, तो इसलिए अच्छा वो हमने कॉफी टाइम एंजॉय करा सच में। पहले हमारा प्लान था हम कॉफी शॉप में बैठ के प्रॉपर कॉफी पियेंगे, पर रास्ते में चलते हुए ना वो शॉप ऐसी टकर गई ना और वहाँ पे नेस्कैफे लिखा था, तो फिर हमने सोचा कि वहीं से पी लेते हैं, बारिश देखते देखते हमने कॉफ़ी इंजॉय करी और वो बेस्ट। अगर हम शॉप में बैठे रहते ना तो वहाँ पे ब्लॉगिंग और मतलब वहाँ पे कैमरा वैमरा थोड़ा सा अजीब लगता है।
कॉफ़ी पी के ना बहुत ही ज़्यादा ना अजीब हो गया, मतलब कबलाहट कहते हैं ना जैसे, मन खराब हो गया। और हम पहुंच चुके हैं फ्रेंड के यहाँ। उस टाइम तो चलते चलते शूट कर रही थी कि गाइस हम तो बारिश में कॉफ़ी पी रहे हैं। बहुत बहुत ऐसा लग रहा है जैसे, मतलब पता नहीं क्यों होता है ज़्यादा कॉफ़ी पी लेते हैं। हाँ, कई बार होता है कि अंदर से ना मन खराब हो जाता है। कोई नहीं, एक चिप्स का पैकेट लेंगे, अभी बदल देंगे मन।